Well, joining me tonight, India's golden girl, Mandeep Kaur, joins me. Also joining me is Jauna Murmu, again, an athlete, both of whom have found guilty of taking a banned anabolic steroid. I'm also joined by VK Malhotra, president of the Indian Olympic Association, after Suresh Kalmadi stepped down, and by India's legend, flying Sikh Milkha Singh. Thank you all for joining me very much. Mandeep, if I can begin with you first, aaj aap kya kahenge? मैं तो यही कहना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं खाया है जिसकी वजह से मेरा ये जो भी मेरे ऊपर ब्लेम लग रहे मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं खाया है. हो सकता है जो हम लोग फूड सप्लीमेंट्स विटामिन्स ले रहे थे उसके अंदर कुछ ऐसा मिक्स हो भी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है. जोआना, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मे भी जैसे सप्लीमेंट वगैरह खाए हैं हम लोग उससे में ही कुछ गड़बड़ हो सकता है और ऐसे तो मैंने खुद के कुछ खाया नहीं. मंदीप, जो ड्रग वो कह रहे हैं मिथैंडिडोन जो आपने लिया है, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में ड्रग टेस्टिंग से मिला है, आपने क्या सुना इसके बारे में? डिड यू एवर नो अबाउट स्टेरॉइड्स लाइक दिस? नहीं, मैंने तो ये पहली बार ये नाम सुना है. ना मैंने कभी देखा है, ना मैंने कभी ये पढ़ा था और ना ही कभी मैंने सुना है. ये पहली बार ही मैंने सब कुछ सुना है और देखा है. पर मंदीप, जोआना, डू यू थिंक द होल प्रॉब्लम इज कि एथलीट्स आर अंडर सो मच प्रेशर नाउ फॉर गोल्ड मेडल्स? आपके गोल्ड मेडल्स के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स में आपको देयर वाज सो मच फेलिसिटेशन, इतना अवार्ड सब कुछ हुआ था. डू यू थिंक देयर इज टू मच प्रेशर ऑन एथलीट्स टुडे? नहीं, कई लोग तो मतलब प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं और जेलसी करने वाले भी बहुत होते हैं. जरूरी नहीं अथलीट ही जेलसी करते हैं, उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. आप सभी लोग फैमिली वाले हो, सबको पता है कि कोई किसी की तरक्की देख के इतना खुश नहीं होता. ऐसे स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है, एक दूसरे से जेलसी करते हैं, वो किसी से आगे क्यों जा रहा है. ये सब कुछ हर जगह पे चलता है ये सब कुछ. जी मंदीप जी, आपके लिए तो एक साल में सब कुछ बदल गया. आफ्टर दैट विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, द एशियन गेम्स, यू वर द टोस्ट ऑफ इंडिया, द वुमेन्स टीम वॉज द टोस्ट ऑफ इंडिया. आज आप क्या कहेंगे इंडिया को, आप क्या कहेंगे आज? मैं तो यही कह रही हूँ कि जो लोग हमारे बारे में अब भी ये सब कुछ सुन के गलत बोल रहे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता. पहले हम लोगों ने इन्हीं लोगों ने इतना प्यार दिया, हमें इतनी इज्जत दी और हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते थे. अभी जो हमारा बुरा टाइम आया है और यही लोग हमारे ऊपर बोल रहे हैं इन लोगों ने कुछ गलत खाया होगा, इनके मेडल्स वापस ले लो, इनकी मनी वापस ले लो. क्यों ये सब कुछ क्यों लोग बोल रहे हैं? क्यों हम लोग ग्राउंड में इतनी सुबह शाम इतनी प्रैक्टिस करते हैं? मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से हमारी कंट्री का या मेरे पेरेंट्स का नाम खराब हो. मैं कभी भी नहीं ऐसा चाहती हूँ. मंदीप, जोआना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुनाइट. लेट मी गो क्रॉस टू माय अदर गेस्ट टुडे, वीके मल्होत्रा एंड मिल्खा सिंह. Mr. VK Malhotra, the important point she made that, you know, people are now saying take back the medals, and when they were bringing felicitations, laurels to the country, everyone is around them. Today, no one is with them. Your first reaction to this dope scandal, and what you think are the larger issues raised by this? It's really shocking. And these very athletes, they brought laurels to the country. And now country is facing a sort of shame throughout the world. And it's very shocking, no doubt about it. But Mr. Malhotra, the larger question raised about the role of the administration, the coaches, the federations, how would they have had access in case we say that they have taken these drugs or the steroid? How would they have had access to it? These are young girls, many of them from relatively poor backgrounds. It has to be given to them by somebody. That's why I've asked for the sports ministry to institute a judicial inquiry to find out who are the real guilty people. The acquisition is against the coaches, acquisition is against the doctors, acquisition is against the administrators in the Sai centers. Yes. And in the past also, many sting operations have taken place in which all these coaches, doctors, officials, yes, they were blamed for these things. So but every time, everything is put under the carpet and nothing happened. No
exemplary punishment to anyone. Yes. So we have asked them to find out, have a judicial inquiry, uh-huh. find out whether it is the coaches, doctors, athletes, or when we send them to Ukraine or other places, yes. whether they get it from there, what is the real background of all these things. But Mr. Malhotra, you left out, of course, the role of the Federation. But let me first bring in Milkha Singh, India's flying Sikh at this point. Mr. Milkha Singh, you were criticized when you said before the Commonwealth Games that no Indian athlete would get a medal. Many of these athletes pointed to you and said you didn't know what you were talking about. Now, what would you say when, sadly, we see this spectacle of our gold medal winners being found guilty of taking steroids? भाई मुझे बुरा लग रहा है मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान को बुरा लग रहा है और स्पोर्ट्स वालों को बुरा लग रहा है ये चीज जो है रिपीट हो रही है बार बार क्योंकि पहले जो थी आपको मालूम है पिछली जो एशियन गेम्स हुई हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं वहां पे हमारे बच्चे पकड़े गए हैं उनके मेडल वापस हुए हैं और कितनी बेइज्जती हुई थी हिंदुस्तान की उस टाइम आज से 3-4 साल पहले और फिर वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं तो ये बुरा लगता है मैं बच्चों से ये कहूंगा कि अब मैंने भी तो दुनिया में रेसेस दौड़ी हैं मैंने कम से कम 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और 80 में से 77 जीती हैं मैंने और वो हार्ड वर्क करके जीती हैं ना कि मैंने ड्रग्स लेके जीती हैं तो मैं बच्चों से यही एडवाइस करूंगा कि आप मेहरबानी करके ड्रग्स को छोड़िए मेहनत कीजिए हार्ड वर्क कीजिए आगे बढ़िए और अपने देश का नाम ऊंचा कीजिए तो मैं अब जो ये ड्रग्स की बातें चल रही हैं ये बहुत बुरा लग रहा है सबको और ड्रग्स क्यों लेते हैं बच्चे ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्रग्स इसलिए लेते हैं क्योंकि कोच उनके साथ मिले हुए होते हैं डॉक्टर उनके साथ मिले हुए होते हैं और एसोसिएशन वाले जो हैं वो मिले हुए होते हैं अगर उन अगर एसोसिएशन वालों को ये मालूम हो कि हमारा ये खिलाड़ी ड्रग्स लेता है तो उसको तो इमीडिएटली उनको सस्पेंड करना चाहिए NDTV's क्रिकेट ऐप Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.